अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं सदर बाज़ार, और हम लोगों ने मेरे 14 अगस्त का ड्रेस लेना था, और वहाँ मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स लेनी थी, और हम लोग ने शॉप्स भी विज़िट की। और आप भी हमारे साथ चलें हैं और देखें कि सदर बाज़ार में क्या क्या है। तो चलें फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। तो जैसा कि बच्ची ने आपको गाइड कर दिया कि आज हम जा रहे हैं रावलपिंडी के सदर बाज़ार, और बेसिक मकसद यही था सदर बाज़ार जाने का कि हमें कुछ वहां से शॉपिंग करनी थी। बच्ची के लिए 14 अगस्त आ रहा है, तो उसके लिए ड्रेस भी लेना था और मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स लेने थी। अच्छा, अब हम मेन बाज़ार में इंटर होने के लिए यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको सबसे पहले मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है। ये अगर तो आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मेन एरियाज़ को विज़िट करना है और आपके पास अपनी कन्वेंस नहीं है, तो ये तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेट्रो सर्विस है, जो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और रीज़नेबल इसके चार्जेस होते हैं, और यहाँ से आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक जिस एरिया में भी जाना चाहते हैं इजीली आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे और हम सदर बाज़ार के एक जो एरिया है वहाँ, वो आपको फ़िलहाल मैं विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पर आपको सारे ही ब्रांड्स तकरीबन मिल जाते हैं। अगर तो आप ब्रांड कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ ब्रांड ही वेयर करना है, तो फिर तो आप यहीं पर ही विज़िट करें, और इन दिनों तो इसलिए भी विज़िट कर लें क्योंकि यहाँ पर हर ही ब्रांड पर डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त आ रहा है, हमारा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और इंडिपेंडेंस डे के हवाले से सारे ही प्रोडक्ट्स पर आजकल डिस्काउंट चल रहा है। तो लोकल प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट चल रहा है, और जो ब्रांड्स हैं उन्होंने भी डिस्काउंट आजकल लगाया हुआ है। तो इसी वजह से आज हम विज़िट कर रहे थे सदर बाज़ार, क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त का मुझे ड्रेस भी लेना था, और आजकल जगह जगह पर बच्चों के, बड़ों के, हर तरह के डिफरेंट वैरायटी भी हमें मिल जाएगी ड्रेसेस के हवाले से भी। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स भी मुझे लेनी थी, तो मैं उसके लिए जाऊंगी J. वो भी मैं आपको विज़िट करवा दूंगी। अच्छा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है तो ये बहुत बड़ा बाज़ार, हर तरह से यहाँ पर वैरायटी आपको हर तरह की मिलती है। ब्रांड्स के अगर आप पहनना चाह रहे हैं और ब्रांड्स ही वेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको सदर आना चाहिए, और यहाँ पर हर तरह के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और इनकी प्राइसेस भी आपको पता है कि चाहे आप जिस सिटी और जिस कंट्री में भी चले जाएं, ब्रांड की प्राइसेस जहाँ पर आपको मिलेंगी, वो जो आपको प्राइस यहाँ पर मिल रही है, वो आपको किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में वही प्राइस होती है। इसके अलावा जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनका आपको पता है कि वो हमें घूम फिर कर ही लेना पड़ता है। कहीं पर प्राइसेस हाई होती हैं, कहीं पर प्राइसेस लो होती हैं, कहीं पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कहीं क्वालिटी नॉर्मल होती है। तो खैर, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि जब हमें कोई भी किस्म की शॉपिंग करनी हो तो हमें सारे काम छोड़ के तो सारा दिन ही हमारा निकल जाता है शॉपिंग के हवाले से। अब ये बाज़ार इतना छोटा तो है नहीं कि मैं एक दिन में आपको सारा ही विज़िट करा दूं, तो आज तो मैं आपको सिर्फ़ इसका एक एरिया ही कवर करके बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि उसके हवाले से मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन हो सके वो मैं आपको आज बता दूं, दे दूं, ताकि अगर आप यहाँ पर इन दिनों विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर आएँ, और अगर मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन से आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा पहुँचता है, तो मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि चलो मेरी तरफ से मेरी वजह से किसी को फ़ायदा मिल गया। अब यहाँ पर आप देखें तो जगह जगह पर छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पर बच्चों बच्चियों के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, स्पेशली आप देख लें 1 ईयर से लेके और 11 to 12 ईयर्स तक के बच्चे बच्चियाँ, उनके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस और क्यूट ड्रेसेस भी आपको हर तरह के डिफरेंट वैरायटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बड़े, उनसे ज़रा से बड़ी एज के बच्चे बच्चियों के लिए लेना चाहें या अपने लिए कोई ड्रेसेस लेना चाहें, तो फिर हमें थोड़ा सा घूम फिर के लेना पड़ता है। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये करीम होटल है, तो हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो मामा और बाबा तो सिर्फ़ और सिर्फ पिंक टी लेते हैं, लेकिन मैं
मुझे हृदय के समोसे बहुत पसंद हैं और मैं जब भी हृदय हूँ मैं समोसे ज़रूर लेती हूँ, और आप लोग भी इनके समोसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पिंकी, ये दोनों चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। आप जो ये लेफ़्ट राइट पर स्टॉल्स देख रहे हैं, हम लोगों ने इधर भी विजिट किया था लेकिन मुझे कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद हम लोग एक जगह गए और मैंने उधर से अपना ड्रेस लिया, और फिर आगे जाके आपको दिखाते हैं कि मैंने कहाँ से अपना ड्रेस लिया और वो कैसा है। अच्छा, मेरे सामने जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये है घक्कड़ प्लाज़ा की बिल्डिंग। और ये प्लाज़ा जो है, यहाँ पर आपको लोकल प्रोडक्ट्स के हर तरह की वैरायटी मिल जाती है। चाहे आपने बच्चों के हवाले से कोई शॉपिंग करनी हो, ड्रेसेस लेने हो, शूज़ लेने हो, ज्वेलरी में लेना हो, और जेंट्स के हवाले से कुछ आपने लेना हो, तो यहाँ पर आपको घक्कड़ प्लाज़ा में मिल जाता है सारा ही कुछ। मेरे अभी ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं, ये सारा फूड कॉर्नर बना हुआ है। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट एरिया है, यहाँ पर आप बैठकर रिफ़्रेशमेंट अपनी कोई भी खाना पीना करना चाहें आप इंजॉय कर सकते हैं। रात को यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट बना हुआ होता है, काफ़ी म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा होता है, लाइटिंग वगैरह भी हुई हुई होती है, और लोग यहाँ पर इवनिंग टाइम में और नाइट टाइम में आके काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो यहाँ का विज़िट आप लोग ज़रूर करिएगा। अब जब भी आप सदर बाज़ार आइएगा तो आप कभी भी देखेंगे कि आप बोर नहीं होंगे यहाँ पर आके, क्योंकि बच्चों के से लेके बड़ों तक हर तरह की यहाँ पर वैरायटी तो खुद होती है, बल्कि ये है कि इंटरटेनिंग है। यहाँ पर इंसान बोर नहीं होता शॉपिंग के ड्यूरेशन में, क्योंकि अक्सर यही होता है ना कि जब हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो हमारे साथ अगर बच्चे होते हैं तो मोस्टली वो बोर हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद उनका रोना धोना शुरू हो जाता है और उनकी ज़िद शुरू हो जाती है कि हमें घर जाना है और हमें ये करना है और वो करना है। लेकिन यह है कि अगर हम सदर आ जाते हैं तो सदर में ये है कि बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी इंटरटेनिंग के भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है और बड़ों के हवाले से भी यहाँ पर काफ़ी कुछ होता है। तो अगर आप विंडो शॉपिंग भी करना चाहें तो भी ये काफ़ी अच्छा एरिया है, और अगर आप वैसे विज़िट करना चाहें, दूसरा विज़िट करना चाहें, और आजकल तो मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर आएँ और यहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि हर जगह डिस्काउंट चल रहा है। तो जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर तहजीब बेकरी हम लोग आए थे इसलिए क्योंकि मामा ने भी कुछ चीज़ें लेनी थी, और फिर ये तहजीब जो है यहाँ की मोस्ट फेमस बेकरी है सदर की। और अगर आपने इधर का पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, इसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा सॉफ्ट और चीज़ी होता है। और मामा ने लेना था, मामा ने ब्रेड लेनी थी ब्रेकफास्ट के लिए, और अंदर वो लोग वीडियो बनाने तो नहीं देख रहे थे लेकिन हम लोगों ने फिर परमिशन लेके वीडियो बना ली। और ऐसा कभी हो सकता है कि मैं बेकरी जाऊं और मैं कुछ लूँ ना? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने डोनट्स लिए, इसके बाद हम लोग चले गए थे सफीलो, फिर हम लोगों ने उधर से मामा ने कहा आइसक्रीम ले लो, फिर लेकिन फिर मैंने ज़िद की कि मैंने आइसक्रीम नहीं लेनी, तो इस वजह से फिर मैंने आइसक्रीम शेक ले लिया। जी, यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि वो यहाँ पर वीडियो क्लिप्स लेने नहीं दे रहे थे और परमिशन नहीं दे रहे थे, बट फिर मैंने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया तो फिर उन्होंने परमिशन दे दी। और फिर मैंने यहाँ से इनकी डेकोरेशन देखें, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोर किया हुआ है 14 अगस्त की वजह से। और यहाँ पे जो आइटम्स हैं, जो बेकरी आइटम्स हैं, वो बहुत फ्रेश होते हैं। आप जब भी इधर आएँ, इधर का विज़िट करें, तो यहाँ से आप लोग ज़रूर बेकरी आइटम्स लें और उनको इंजॉय करना। इनकी ब्रेड बहुत फ्रेश होती है, इनके केक बहुत फ्रेश होते हैं, और हर तरह से, खैर जो भी आप यहाँ से बेकरी आइटम लेंगे वो बहुत अच्छा होता है। पिज़्ज़ा बहुत इनका यूनिक टेस्ट और बहुत अच्छा होता है, डिफरेंट होता है। तो खैर, अब ये हम लोग सफ़ीलो आ गए। जैसा कि आपको बच्ची ने बता ही दिया है कि यहाँ से इसने लेना था आइसक्रीम शेक, और खैर हम लोगों ने तो आइसक्रीम ले ली थी। फिर उसके बाद हम लोग चले गए जे डॉट। अब मैं आपको जे डॉट के कुछ ड्रेसेस बता रही हूँ। जे डॉट पे बहुत अच्छी आजकल सेल लगी हुई है, आपको पता है 40% डिस्काउंट चल रहा है और ड्रेसेस पर 25% डिस्काउंट चल रहा है। ये वाला ड्रेस मैंने लिया है समिया के लिए 14 अगस्त का, तो बस बाहर से इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस फिर यहाँ पर आए तो इसको ये ड्रेस अच्छा लगा, तो हमने फिर वही ड्रेस बाय कर लिया।
अब मैं कॉस्मेटिक्स कॉर्नर में आ गई हूँ और यहाँ से मैंने फाउंडेशन लेना था जे डॉट का, और यहाँ का जो फाउंडेशन है बहुत ही बेस्ट होता है, मैं यही अप्लाई करती हूँ। और खैर मुझे तो काफ़ी सूट करता है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। मैं लिक्विड फाउंडेशन को रेकमेंड करूंगी कि अगर आपने अभी तक जे डॉट के फाउंडेशंस नहीं लिए तो आप ज़रूर ये अप्लाई करें और इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा। और आजकल तो यहाँ पर डिस्काउंट रेट चल रहे, इसी वजह से फिर मैंने यही फाउंडेशन लिया जो हाई कवरेज का है। और नॉर्मल इसकी जो प्राइस है वो 3900 है, लेकिन 40% डिस्काउंट के बाद अभी इसकी जो प्राइस चल रही है आजकल वो 2400 है। तो आप भी ज़रूर विज़िट करें, और अगर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कुछ लेना है तो वो ले लें। और इनका जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसकी आई थिंक प्राइस अभी थी 1900 की। तो इस तरीके से यहाँ से मैंने कॉस्मेटिक्स अपनी ले ली, और फिर उसके बाद ये आप देखें अनस्टिच ड्रेसेस भी इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और स्टिच ड्रेसेस में भी मुझे काफ़ी वैरायटी नज़र आ रही थी। इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अब 14 अगस्त तक इनकी आज कल जो है ना वो सेल लगी हुई है। अगर तो आप आना चाहते हैं और कुछ इन दिनों में आपको शॉपिंग करनी है तो आप सदर बाज़ार ज़रूर आएँ और स्पेशली जे डॉट पर आएँ, आके यहाँ विज़िट करें। उम्मीद है कि आपको भी यहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ की जो क्वालिटी है और यहाँ के जो डिस्काउंट रेट हैं वो भी अच्छे लगेंगे। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये विज़िट सदर का और यहाँ की इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ज़रूर आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा, और बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे व्लॉग्स और ये इस तरह की वीडियोस कैसी लगती हैं, और अगर आप लोगों को घर बैठे किसी जगह की इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी जगह पर घूमना है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हम लोग आपको घर बैठे एंजॉय करवा सकें। और टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।